मैं शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई, मैंने आप लोगों को चांदनी रात ये जो कविता है नाइन्थ स्टैंडर्ड के बच्चों की हिंदी की पहली कविता चांदनी रात, तो ये कविता मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, ओके। और ये कविता आप लोगों को किस तरह से पढ़नी चाहिए ये भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, ओके। तो आज हम लोग करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो किस तरह से सवाल पूछा गया है और आप लोगों को सवाल समझकर आंसर्स किस तरह से लिखने चाहिए, वही मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज का हमारा लेक्चर बच्चों। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना और अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना, ओके। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं चांदनी रात के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। यहाँ पर आप लोगों को शब्द संसार यानी मीनिंग्स दिए हुए हैं। तो पुलक रोमांच खुशी हैप्पीनेस, ओके। कार्यकलाप मीन्स गतिविधि, वर्क कुछ भी काम करना उसे कार्यकलाप कहते हैं। कुटीर यानी झोपड़ी कुटिया। निर्भीक निडर बिंदास्त। धनुर्धर धनुर्धर यानि तीरंदाज। कुसुमा युद्ध यानि अनंग कामदेव, ओके। उसके बाद है दृष्टिगत, जो दिखाई पड़ता है वो उसे दृष्टिगत कहते हैं, विच कैन बी सीन, ओके। नेक्स्ट, कल्पना पल्लव में, पल्लवन में उन्होंने हमें पूछा है कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, इस पंक्ति का कल्पना विस्तार कीजिए। अभी जब भी कोई कविता, कवि कविता लिखता है तो उसके पीछे के उद्देश्य अलग अलग होते हैं, ओके। एम ऑफ राइटिंग ऑल्सो डिफरेंस होता है, डेप्थ ऑफ दैट वर्ड्स आर ऑल्सो डिफरेंट, ओके। तो अभी अगर हम लोग लिखेंगे ना, पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक मीन्स हम लोग ने देखा यहाँ पे आनंद खुशी प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, तो ये कविता की ही पंक्ति है सेकेंड वाली, ओके। तो इसका इन लोगों ने हमें कल्पना विस्तार करने के लिए कहा है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो प्रत्येक प्राणी के जीवन में खुशी के क्षण आते हैं। अभी हर एक के जीवन में खुशी के पल आते हैं ना, खुशी के क्षण आते हैं ना, हैप्पीनेस आता है ना। हर व्यक्ति अपनी खुशी का अपने ढंग से प्रदर्शन करता है और अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने का हर एक का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है ना। कोई खुशी के मारे ताली बजाता है, कोई खुशी के मारे कूद कूद के नाचने लगता है ना, कोई खुशी के मारे हंसने लगता है, कोई खुशी के मारे रोने लगता है। तो हर एक का खुशी अपनी जाहिर करने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है, ओके। तो मनुष्य की भांति ही प्रकृति मीन्स नेचर, ओके। तो मनुष्य की भांति ही प्रकृति भी अपना खुशी का इजहार करती है। अभी हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हम लोग हमारी खुशी इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जो नेचर है, जो कुदरत है, जो प्रकृति है, वो अपना इजहार कैसे करती होगी खुशी। तो यह खुशी हमें पेड़ पौधों की फूलों, तो उसकी हैप्पीनेस जो है, नेचर की जो हैप्पीनेस है वो हमें कैसे दिखाती है, तो पेड़ पौधों के फूलों फलों और नव पल्लवों के रूप में देखने को मिलती है। तो वो पेड़ के ऊपर फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, और वो कैसे नए नए पत्ते आते हैं उसमें, और वो खिलने लगता है पूरा वो पेड़ जो है वो एकदम से अच्छा दिखने लगता है। तो ये भी क्या है, पेड़ अपनी खुशी बता रहा है। धरती अपनी खुशी धरातल पर दूर दूर तक फैले हुए घास के
मैदानों और उनमें उगी हुई घास की हरी हरी पत्तियों की नोकों से प्रदर्शित करती है, जिन पर पड़ी हुई ओस की बूंदें मोती जैसी दिखाई देती है। अभी पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। हरित तृण, तृण मीन्स व्हाट? ये देखो, हरित तृणों की नोकों से, तृण यानी जो ग्रास होता है ना, ग्रीन ग्रास, उसको तृण बोलते हैं। और हरित यानी ग्रीन होता है वो। हरित तृणों की नोकों से, नोक मीन्स पॉइंट ऑफ दैट ग्रास, तो उसका एक्सप्लेनेशन में हम लोग कैसे दिखेंगे। धरती अपनी खुशी धरातल पर दूर दूर तक फैले हुए घास के मैदानों, अभी जैसे दूर दूर तक देखेंगे हम लोग, ग्रीन ही ग्रीन ग्रास हम लोगों को दिखाई देते हैं, तो कितनी खुशी होती है ना हम लोगों को भी। और उनमें उगी हुई घास, मैदान और मैदान में उगी हुई घास की हरी हरी पत्तियों की नोकों से प्रदर्शित करती है। तो वो क्या होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, वो ऐसे डूलते रहते हैं, झूलते रहते हैं, तो वो अपनी खुशी जाहिर करती है। दिस इज इमेजिनेशन, ओके। जिन पर पड़ी हुई ओस की बूंदे, ओस की बूंदे मीन्स ड्यू ड्रॉप्स। ड्यू ड्रॉप्स कभी देखा है तुम लोगों ने? विंटर की सीजन में अगर तुम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के जब बाहर जाओगे, या फिर तुम लोगों की गार्डन है तो वहाँ पर देखोगे, तो ड्यू ड्रॉप्स पड़े हुए तुम्हें दिखाई देते हैं, है ना? कोई बोलता है अरे नहीं नहीं गार्डन में मुझे गीला है गार्डन, एक्चुअली वो क्या होता है, ड्यू ड्रॉप्स होते हैं जो हम लोगों को, और जब उसके ऊपर सनलाइट गिरता है ना बच्चों, आह क्या होते हैं वो, ब्यूटी देखते ही बनती है। अगर आपको मौका मिले ना तो ज़रूर देखना, ओके। तो उसे ओस की बूंदे मोती जैसी दिखाई देती है। अर्ली मॉर्निंग पूरा ग्रीन ग्रास फैला हुआ है, उनके ऊपर ड्यू ड्रॉप्स पड़े हुए हैं। तो ड्यू ड्रॉप्स को किसकी उपमा दी हुई है, कंपैरिजन किसके साथ किया है, उन ड्यू ड्रॉप्स का पर्ल के साथ किया है, मोती के साथ किया है, ओके। तो इस तरह से ये जो है ना, हम लोगों को हमारी लैंग्वेज में हमें इसे लिखना होगा, ओके। कल्पना विस्तार, तो क्या इमेजिन किया होगा, तो ये हमें हमारी लैंग्वेज में लिखना होगा, ओके। तो आप लोग लिख कर जरूर निकालिए, ओके, गुड। अभी आगे इन्होंने आप लोगों को दिया है पठनीय। पठनीय मीन्स पढ़ने जैसा क्या है, व्हाट टू रीड, यू हैव टू रीड दिस, ओके। रीड क्या करे तुम लोग, वो उन्होंने हमें दिया है कि संचार माध्यमों से राष्ट्रीय एकता पर आधारित किसी समारोह की जानकारी पढ़िए। जैसे न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, उसमें आप लोगों को राष्ट्रीय एकता के रिलेटेड कुछ एक प्रोग्राम हुआ है तो उसके बारे में जो जानकारी आपको आएगी वो पढ़िए न्यूज़पेपर्स में वगैरह, ओके। अभी उसके बाद है श्रवणीय। श्रवणीय मीन सुनने जैसा क्या होता है, अपने घर परिवार के बड़े सदस्यों से लोक कथाओं को सुनकर कक्षा में सुनाइए। श्रवणीय मीन्स लिसन करना, सुनना, अपनी कानों से, अपने ईयर से सुनते हैं ना वो, फिर आप लोग अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से, घर में फैमिली मेंबर से कहानियाँ सुनिए, लोक कथाएँ सुनिए, फॉक स्टोरीज सुनिए, और फिर वही स्टोरी आकर क्लास में बताइए, ओके। तो ये है श्रवणीय। उसके बाद है लेखनीय। लेखनीय मीन्स लिखने की, लिखने की, राइटिंग। प्रकृति मनुष्य की मित्र है, स्पष्ट कीजिए। उन्होंने हमें एक सेंटेंस दिया, प्रकृति मीन्स नेचर जो है वो ह्यूमन बीइंग का फ्रेंड है, ओके। नेचर इज अवर फ्रेंड, ह्यूमन बीइंग्स फ्रेंड। स्पष्ट कीजिए, कीजिए, वेरीफाई दिस। तो फिर तुम लोग क्या लिख सकते हो,
इसके ऊपर अपने पर्सनल थॉट भी तुम लोग लिख सकते हो, ओके? यही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आदिकाल से ही मनुष्य और प्रकृति का घनिष्ठ संबंध रहा है। जब से ये कुदरत तैयार हुआ है तब से ही, जब से इंसान और नेचर का तब से संबंध है, रिलेशन है। मनुष्य का जीवन प्रकृति पर ही आधारित है, ह्यूमन बीइंग्स बोलो या फिर हाँ, क्योंकि अभी इन लोगों ने हमें सिर्फ ह्यूमंस के बारे में ही पूछा है तो हम लोग ह्यूमन के बारे में ही आंसर लिखेंगे। मनुष्य पूछा है ना उन्होंने, प्रकृति मनुष्य की मित्र है, प्रकृति मनुष्य की मित्र है, तो ह्यूमन बीइंग की वो फ्रेंड है, तो वही हम लोग क्लियर करेंगे। मनुष्य का जीवन प्रकृति पर ही आधारित है, मीन्स कंप्लीटली हम लोग डिपेंडेंट है नेचर के ऊपर। मनुष्य को जीवनावश्यक सारी वस्तुएं प्रकृति में, प्रकृति से ही मिलती है। अभी हम लोगों को जिंदा लेने रहने के लिए जो भी लगता है वो सब हम लोगों को कौन देता है? प्रकृति यानि नेचर देता है। मनुष्य के लिए वर्षा का बहुत महत्व है। वर्षा लड़की का नाम नहीं है, वर्षा यानि रेन, बारिश, ओके? नहीं तो बोलेंगे अरे वर्षा का क्या महत्व होगा, ये मेरी फ्रेंड वर्षा, बुक में इसका नाम कैसे आ गया होगा, तो ऐसा नहीं है वो, वर्षा यानि रेन है, ओके? वर्षा से ही खेती होती है, फार्मिंग होती है, अगर अच्छी बारिश आई तो अच्छी फार्मिंग होती है, क्या नहीं? और अन्न का उत्पादन होता है, जब अच्छी फार्मिंग होगी तो हम लोग को फूड मिलेगा अच्छा अच्छा खाने के लिए, है क्या नहीं? वर्षा से ही पेयजल उपलब्ध होता है, रेन आता है तभी ही हम लोग को पीने के लिए पेयजल यानी ड्रिंकिंग वाटर भी हमें मिलता है। वर्षा का होना या न होना पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर आधारित होता है। अभी रेनिंग जो होता है वो किस तरह का होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर ही डिपेंड करता है। पेड़ पौधे मनुष्य को जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। तो जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधे हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं ना। किसी ने तो मुझे ना क्विज में आंसर दिया था कार्बन डाइऑक्साइड, तो ध्यान में रखना तुम लोग। इस तरह प्रकृति मनुष्य की सदा मित्र रही है, तो नेचर जो है वो हमेशा ही फ्रेंड रहा है इंसान का। मनुष्य भी प्रकृति को अपना मित्र मानकर पेड़ पौधों, पर्वतों, नदियों तथा सागर की सदा से पूजा करता आ रहा है। तो ह्यूमन बीइंग को भी पता है अपने नेचर की वैल्यूज़ के बारे में, तो इसके लिए वो सालों साल पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, माउंटेन्स, सीज, इन लोगों की वो पूजा करता है, ओके? तो ये एक आइडिया दिया है तुम लोगों को, तो इसी तरह से तुम लोगों को रिलेटेड टू नेचर आंसर लिखना है, ओके? अभी पाठ के आंगन में एक सूचना अनुसार कृतियां कीजिए, ओके? तो यहाँ पर तुम लोगों को क्या दिया है, तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना, तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। तारे मीन्स व्हाट? तारे यानी स्टार्स, स्काई में जो स्टार्स आते हैं और जाते हैं, ओके? तो इसके बारे में क्या तुम लोग इमेजिन करते हो वो तुम्हें यहाँ पर लिखने के लिए उन्होंने कहा है। और ये जब तुम लोग संजाल पूरा करते हो ना, कृतियाँ पूरी करते हो, तभी तुम लोगों को ये वाले जो बॉक्स है वो बॉक्स बनाना कंपलसरी है। अगर एग्ज़ाम में तुम लोगों ने बिना बॉक्स बनाए आंसर्स लिखे तो तुम लोगों को एक मार्क भी नहीं मिलेगा, आधा मार्क भी नहीं मिलेगा, ओके? तो एग्ज़ाम में तुम लोगों को ये वाले बॉक्स बनाकर ही आंसर लिखना है, और बॉक्स तुम लोग
पेन से ही बनाओगे, पेंसिल से नहीं। पेंसिल से बॉक्स बनाना अलाउड नहीं है, उसके लिए वो लोग तुम्हारे मार्क्स काटेंगे 101%। इसके लिए ये कृतियों में तुम लोगों को बॉक्स बनाना कंपलसरी है, वो भी पेन से ही बनाना है, पेंसिल से नहीं। ओके, ध्यान में रखना। अभी तुम लोग 9th में है, 10th में भी यही रूल्स रहने वाले हैं तुम लोगों के लिए। ओके, तो ये पेन से ही बॉक्स बनाकर आंसर लिखना है, और ये भी लिखना होगा तुम लोगों को अंदर। ओके, गुड। तो अभी तुम लोग इमेजिन कर सकते हो यहाँ पर क्या क्या लिखना है। तो अभी ये जो कविता है इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन अगर तुम लोग देखोगे उसके बाद में ही ये क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करना, तो ही तुम लोगों को समझ में आएगा, वरना समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो अभी ये मैं आंसर्स दे रही हूँ आप लोगों को, उसके पहले जो मैंने कविता को एक्सप्लेन किया है वो आप लोग जरूर देखिएगा। ओके, अभी तारे उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। तो अभी कैसे, तारे जब आते हैं या फिर अस्त होते हैं तो उसके बारे में क्या इमेजिन कर सकते हैं हम लोग। पृथ्वी द्वारा मोती छितराया जाना, अर्थ जो है वो क्या कर रहा है, मोतियों को स्प्रेड कर रहा है, मोतियों से संध्या का रूप छलकना। अभी इवनिंग में जब स्टार्स दिखते हैं आसमान में तो कितनी ब्यूटीफुल लगती है ना वो इवनिंग। सूर्य का संध्या को मोतिया देना, तो सूरज संध्या यानी इवनिंग, लड़की का नाम नहीं है वो। ओके, सूर्य का संध्या को मोतिया देना, सूरज जो है वो इवनिंग को क्या देता है, मोती देता है। सूर्य द्वारा मोतियों का बटोर लिया जाना। ओके, तो वो सूरज है, सूर्य द्वारा मोतियों का बटोर लिया जाना, सूर्य का संध्या को मोतियां देना, मोतियों से संध्या का रूप छलकना, पृथ्वी द्वारा मोती छितराया जाना। अच्छा, पृथ्वी द्वारा मोती छितराया जाना, वन, उन मोतियों को कौन बटोर रहा है, सूर्य द्वारा मोतियों का बटोर लिया जाना। फिर सूर्य का संध्या को मोतियां देना, और सूरज ने वो मोतियां किसे दे दी, इवनिंग को दे दी, मोतियों से संध्या का रूप छलकना। ओके, इस तरह से 1 2 3 4, फिर मोतियों से संध्या का रूप छलकना। ओके, तो किसे वो ब्यूटीफुल दिखता है इवनिंग में, जो रात में स्टार्स हम लोगों को दिखाई देते हैं वो। ओके, अभी चांदनी रात की विशेषताएं हम लोगों को लिखते समय भी ये बॉक्स बनाने होंगे। ओके, वो भी पेन से। तो भी चांदनी रात की क्या विशेषताएं थी, ऐसा क्या खास था, क्या ऐसे स्पेशल है चांदनी रात की। ओके, चांदनी रात यानी नाइट में जब स्काई के ऊपर स्टार्स जब ट्विंकल करते हैं तो उसकी क्या खासियत होती है वो। ओके, एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, तो फिर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं चांदनी रात की विशेषताओं में, किरणों का खेलना, किरणों का खेलना, किरण मीन्स रेज ऑफ लाइट। ओके, और स्वच्छ चांदनी, स्वच्छ चांदनी यानी स्काई एकदम क्लियर है और सब हम लोग को स्टार्स वगैरह एकदम से क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ओके, और
तीसरी विशेषता ये है हरी घास का लहराना। हरी मीन्स ग्रीन, घास यानि ग्रास, ओके गवत ग्रास का लहराना। मंद पवन चलना, मंद पवन चलना यानी धीरे धीरे हवाएं बहना। ओके और नेक्स्ट आएगा फिफ्थ, स्वच्छंद, 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 क्लीन, ओके क्लीन, स्वच्छंद, सुमंद गंध, सुमंद, सुमंद यानी बोलते हैं ना लोग फ्रेग्रेंस, एकदम माइल्ड से एक फ्रेग्रेंस आता है हवा के साथ में, वो स्वच्छंद सुमंद गंध, गंध यानी स्मेल। ओके हर्षित दिशाएं, चारों दिशाएं, ऑल डायरेक्शंस आर वेरी हैप्पी। हर्षित, हर्षित यानी हैप्पी, दिशाएं यानी डायरेक्शंस, लिखते समय गलतियां मत करो, इसके लिए मैं बोलती हूँ कविता लिख कर निकालो तुम लोग, ओके तो तुम लोगों को बहुत ही हेल्प होगा आंसर्स लिखते समय। और सुस्ती तो करो ही मत भाई, अभी तो सुस्ती करने जैसा समय है ही नहीं तुम लोगों के लिए। ये मोबाइल बीबाइल गेम वीम सब फेंक दो बाजू में और पढ़ाई पे फोकस करो, ओके खुद कुछ इन्वेंट करो, लोगों ने इन्वेंट किया उसके ऊपर अपना टाइम बर्बाद मत करो, ऐसा कुछ बनाओ कि जिससे लोगों का भला हो। ओके तो हर्षित दिशाएं, नेक्स्ट सेवन, स्वच्छ चांदनी, स्वच्छ चांदनी कैसे लिखते हैं देखो भाई, चा के ऊपर चांद निकालना है तुम लोग को, उसके ऊपर डॉट देना है, ओके स्वच्छ चांदनी। और मोती बिखराना, मोती किसे कहा है, तारों को ही कहा है ना, ओके तुम लोग को समझने के लिए लिखा है मैंने बी ख रा ना, मोती बिखराना। ओके तो चांदनी रात की खासियत क्या है, ऐसा क्या है स्पेशल चांदनी रात में, तो उसका आंसर है किरणों का खेलना, स्वच्छ चांदनी, हरी घास का लहराना, मंद पवन चलना, स्वच्छंद सुमंद गंध आना, हर्षित दिशाएं होना, स्वच्छ चांदनी और मोती बिखराना। तो ये होती है खास बात चांदनी रात की। ओके तो नेक्स्ट दिया है आप लोगों को यहाँ पर, निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। अभी ये जो पंक्तियाँ दी हुई है ना, स्टेंजास जो तुम लोगों को दी हुई है यहाँ पे, उसका तुम लोगों को मीनिंग लिखने के लिए कहा है, और ये स्टेंजास समझने के लिए तुम लोगों को कविता बाय हार्ट होना बहुत जरूरी है। ओके तो चारु चंद्र डैश झोकोन से, ओके अगर ये एग्जाम में आएगा तो कोई भी एक की तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए पूछेंगे वो लोग, ओके तो चारु चंद्र डैश झोकोन से, तो इसका हम लोग को सरल अर्थ बताना है, मीनिंग बताना है।
तो सबसे पहले ये पूरा पैराग्राफ कौन सा है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छंद चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे है तरु भी मंद पवन के छोकों से। ओके, तो अभी इसके जो मीनिंग्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, चारु यानी सुंदर, मनोहर, ओके, ब्यूटीफुल, जो देखते ही हम लोगों को अच्छा लगता है वो, थल यानि भूमि जमीन, अवनी यानि पृथ्वी अर्थ, अंबर मीन्स स्काई आकाश, पुलक पुलक यानि रोमांच खुशी, हरित यानि हरी ग्रीन, तृण यानि घास, मंद यानि धीमा। ओके, तो भी लिखेंगे कैसे इसको हम लोग? तो इसमें दो पैराग्राफ दिए हुए हैं, तो हम लोग वन बाय वन पैराग्राफ का मीनिंग देखते हैं। चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है, मून जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है चांदनी रात में, उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटखेलियाँ कर रही है, ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही हो। तो उसकी जो चंचल किरणें हैं वो क्या कर रही है? झिलमिल झिलमिल करते हुए अटखेलियाँ यानी क्या, नौटिगिरी कर रही है। तो क्या लग रहा है कि जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही है, तो पानी और जमीन के साथ वो खेल रही है ऐसा लग रहा है। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल में फैला हुआ है। अभी जब मून आता है रात को तो उसका लाइट भी आता है ना नीचे, अर्थ के ऊपर भी आता है, और उसका जो लाइट है वो स्काई में भी होता है और अर्थ पे भी आता है, और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? उन्हें लाइट देकर प्रकाशित कर रहा है, ऐसी ये कवि की कल्पना है। उसके बाद पुलक प्रकट और झोंकों से, इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है, इस सिचुएशन में अर्थ जो है वो बहुत ही हैप्पी है। वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास की नोकों से प्रकट कर रही है। तो अपनी हैप्पीनेस पृथ्वी कैसे एक्सप्रेस कर रही है? उसके जो ग्रीन ग्रास है, उसके जो पॉइंट्स है, उससे वो एक्सप्रेस कर रही है उसका हैप्पीनेस। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं। ये जो हवाएं चल रही है धीमी धीमी, ओके, एयर इज फ्लोइंग वेरी स्लोली, ओके, तो क्या हो रहा है, पेड़ पौधे भी झूम रहे, ट्रीज एंड प्लांट्स आर ऑल्सो एंजॉइंग एंड झूम रहे हैं। तो खुशी के मारे वो लोग क्या करते हैं ना, वो डांस करते हैं ना, वैसा डोलना, ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग सीन देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ऑल आर वेरी हैप्पी एंड दे आर एक्सप्रेसिंग देयर हैप्पीनेस विद देयर ओन वे। ओके, तो इस तरह से इसका सरल अर्थ तुम लोगों को लिखना है। छह में दिया हुआ है इन लोगों ने, क्या ही स्वच्छ डैश शांत और चुपचाप। तो पहले ये पैराग्राफ देखते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। ओके, तो इसका सरल अर्थ हम लोगों को लिखना है। तो कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं। अभी कवि लिखने की जगह पे अगर तुम लोग लिखेंगे ना इसे, कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने ऐसे लिखोगे ना तुम लोग,
चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है, ओके, और यह रात कितनी शांत है। सब जगह पे इतना पीस एंड इसे एक एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाता है ना, प्योर एटमॉस्फेयर ऐसे लग रहा है। कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है, सब जगह पे एकदम शांत है, एकदम पीस है। सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है, सब जगह पे एक फ्रेग्रेंस फैला हुआ है, मंद मंद यानी एकदम माइल्ड ऐसा फ्रेग्रेंस फैला हुआ है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल न हो, और इसकी वजह से ऑल डायरेक्शंस आर वेरी हैप्पी, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है। तो ओवरऑल सब जगह पे खुशियाँ ही खुशियाँ फैली हुई है। बंद नहीं के बाद और चुपचाप का जो सेकंड पैराग्राफ है उसका सरल अर्थ ये है कि कवि कहते हैं, कवि लिखते समय मैथिली शरण गुप्त उनका नाम अगर आप लिखोगे तो बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा, है कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, ओके, नथिंग इज स्टॉप। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे ही चल रहे हैं। नाइट में जो भी रूटीन में सब होते रहता है, कार्यकलाप काम का सब वही चल रहे हैं, कुछ भी रुका नहीं है। विशेषता यह है कि अब सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। तो उसकी स्पेशलिटी क्या है कि सब कुछ एकदम पीसफुली हो रहा है, सब शांति से हो रहा है और चुपचाप हो रहा है, ओके, कोई धांधल मस्ती गड़बड़ कुछ भी नहीं है, सब पीसफुली हो रहा है। कहीं कोई कोलाहल नहीं है, कोलाहल यानी लाउडनेस, जोर जोर से आवाज़, घाई गर्दी ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके, गॉट इट, गुड। संभाषणीय, संभाषणीय यानी डिस्कशन करना, ओके, अपने व्यूज़ एक दूसरे को बताना, तो उसके लिए इन्होंने हमें टॉपिक दिया हुआ है शरद पूर्णिमा त्यौहार के बारे में चर्चा कीजिए, डिस्कशन कीजिएगा, ओके। पाठ से आगे जो है ना बच्चे, जरा बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए, अभी कौन से शब्द दिए हैं यहाँ पर इन लोगों ने हमें, देखो, तारे, आकाश, पर्वत, नदी और पृथ्वी, ओके। तो इन वर्ड्स को यूज करके स्वरचित कविता बनाकर, यानी आपको खुद एक कविता तैयार करनी है, काव्य मंच पर प्रस्तुत कीजिए। तो जहाँ पर कविता, कवि सम्मेलन वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर जाके तुम लोगों को अपनी कविता उन्होंने बोलने के लिए कहा है, ओके। तो लिखेंगे ना तुम लोग कविता तारे, आकाश, पर्वत और नदी, ये वर्ड्स का यूज़ करके, ओके। करनी है कोशिश तुम लोगों को लिखने की कविता, गुड। तो चलो हम लोग ट्राई करते हैं कविता तैयार करने की, ओके। हंसना मत तुम लोग मेरे ऊपर, ओके, और तुम लोग भी मुझे हेल्प करना कविता बनाने के लिए, ठीक। तो तारे, आकाश, पर्वत, नदी, पृथ्वी, तो कभी भी कविता जो होती है ना उसमें से कुछ तो अच्छा मैसेज जाना चाहिए, ओके, या वो कॉमेडी होनी चाहिए या अलंकारिक होनी चाहिए। देखते हैं अभी हमारी कविता कैसे बनती है, ठीक है। तो तारे, तारे, आकाश, आकाश में तारे करते चमचम, चलो देखते हैं, शुरुआत तो करते हैं। आकाश आ गया, अभी आकाश में तारे करते चमचम, ओके। जो उन लोगों ने वर्ड्स दिए हैं ना, ओ ये देखो, आकाश में तारे करते चमचम, आकाश आया, अभी तारे आ गया इसमें से,
और अभी क्या लिख सकते हैं हम लोग? आकाश में तारे करते चमचम, रोशनी देते मध्यम मध्यम, है ना? रोशनी, लाइट, रोशनी देते मध्यम 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 मध्यम, मैंने बहुत कम रोशनी से एकदम एकदम वो बोलते हैं ना मंद प्रकाश, ऐसा बोलते हैं ना, वैसे रोशनी देते मध्यम मध्यम। अभी तारों की रोशनी कितनी होगी, है ना? समझो ना तुम लोग, समझो ना इतना तो भाई, ठीक है? हाँ, तो अभी रोशनी देते मध्यम मध्यम, अभी कौन से वर्ड रह गए हमारे? आकाश हुआ, तारे हो गए, पर्वत, नदी, पृथ्वी। मीनिंग होना चाहिए भाई, कविता को कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ भी लिख के नहीं चलता है। मैं भी पहली बार लिख रही हूँ, हंसना मत तुम लोग। ओके, फिर क्या मैसेज देते होंगे वो हम लोगों को इसमें से? तुम भी हमेशा चमकते रहना। अच्छा आ रहा है मेरे को। तुम भी हमेशा चमकते रहना, तुम भी हमेशा चमकते रहना, तुम भी हमेशा चमकते रहना, जीवन में खुशी हो वाह या हो गम। ओके, ओ तो जीवन में खुशी हो या हो गम, मैसेज मैसेज इज इम्पॉर्टेंट। ओके, वाह वाह, भाई तो कवि बन सकती हूँ मैं, लेखिका बन सकती हूँ आई थिंक। देखो भाई, आकाश में तारे करते चमचम, रोशनी देते मध्यम मध्यम, तुम भी हमेशा चमकते रहना, जीवन में खुशी हो या हो गम। ओके, अगर कोई कवि महाशय देख रहे हैं मेरी कविता तो ज़रा मुझे गाइड कर सकते हैं आप कि मैं अच्छी कविता लिख सकती हूँ कि नहीं। हाँ, तो अभी क्या आ गया भाई? तारे हो गए, आकाश, पर्वत, नदी और पृथ्वी, तीन वर्ड्स बाकी है हम लोगों के। ओके, तो पर्वत, पर्वत यानी हाइटेड होता है, ऐसे हम लोगों ने कविताएँ भी सुनी हुई है कि पर्वत खड़ा है सीना तान के। क्या लिख सकते हैं हम लोग? लेकिन मैं ऐसे थोड़ी लिखूंगी ना, मैं जरा भी मेरी तरफ से लिखूंगी, ठीक है? पर्वत, पर्वत नीचे कभी न झुकता। जम रहा है मेरे को, तुम लोग कभी जमेगा भाई? कभी न झुकता, अगर तुम लोग लिखोगे तो मुझे भेजना कमेंट में लिख के। अच्छा, पर्वत नीचे कभी न झुकता, नदियाँ बहती रहती हरदम, नदियाँ बहती रहती हरदम, नदियाँ बहती है हरदम। ये ज़्यादा सूटेबल लग रहा है मेरे को, ये तुम लोग करेक्शन करना बाद में मेरा। ओके, नदियाँ, कोशिश तो करनी चाहिए भाई, है ना? बहती है हरदम, अभी इसका मीनिंग क्या हो गया? वो कभी भी रुकती नहीं, पर्वत कभी झुकता नहीं, नदी कभी रुकती नहीं, नदियाँ बहती रहती है हरदम, ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्या? नदियाँ बहती है हरदम, क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को बताना तुम लोग प्लीज़। नदियाँ बहती, आई थिंक रहती है हरदम ही अच्छा लगेगा, है ना? रहती है हरदम। ओके, नदियाँ भी आ गई, अभी बची है पृथ्वी, पर्वत नीचे कभी न झुकता, नदियाँ बहती रहती है हरदम,
हम लोगों को इसमें से ऐसा मैसेज मिलेगा कि हम भी चलेंगे सीना तान के, हम भी चलेंगे सीना तान के, यानी हम लोग भी डरेंगे नहीं, बहुत ऐसे प्राउडली हम लोग भी चलेंगे, ऐसा होगा इसका मतलब। ओके, पृथ्वी, तो हम भी चलेंगे सीना तान के। तो अबे हमला हमारे ऊपर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पृथ्वी की। ऐसे हम लोग इमेजिन करते हैं अगर, तो पृथ्वी की रक्षा करेंगे हम, पृथ्वी की रक्षा करेंगे हम। ओके, अरे वाह, आई थिंक कुछ अच्छा लिखा गया है, एंड सजेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है मुझे। तो मैं है ना हमेशा इस तरह के चैलेंजेस एक्सेप्ट करती हूँ भाई। इतना अच्छे इन लोगों ने वर्ड्स दिए और हमें कहा है कि आप खुद कविता तैयार कीजिएगा, तो मैंने एक कोशिश की। आप लोग आई होप हंसे नहीं होंगे मेरे ऊपर, और आप लोग भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा, भले दो ही लाइन लिखिए लेकिन लिखिएगा ज़रूर, ठीक है, और मुझे कमेंट में भेजिएगा जरूर लिखकर, प्रॉमिस, ठीक है। देखो अभी मैंने आप लोगों के सामने ही कविता तैयार की ना, मे बी तुम लोगों ने भी मुझे वहाँ से बताए होंगे लाइन्स वगैरह भी। टेलीपैथी बहुत पावरफुल है ना हम लोगों की, है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें आपका भी हिस्सा है। ओके, तो चलो भाई देखो कविता भी हम लोगों ने लिख डाली, कहीं हम किसी से कम नहीं। ओके, नाइस, वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो अभी भाषा बिंदु जो है ना, वो आप लोगों के पोर्शन में का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आप लोग इसी में ले सकते हैं, खाली समझ में आना चाहिए क्या करना है। ओके, चलो तो देखते हैं भाषा बिंदु। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अभी इन लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर एक वर्ड दे दिया है, शब्द दे दिया है, तो हम लोगों को इसके तीन नाम लिखने होंगे, ठीक है, पर्यायवाची शब्द तीन लिखने हैं हम लोगों को। ओके, तरु यानी ट्री। ओके, तो ट्री के हम लोगों को तीन हिंदी नाम लिखने हैं, तरु के अलावा हम लोग उसे कहते हैं पेड़, पेड़। ओके, फिर उसे कहते हैं वृक्ष, वृक्ष, और दरख्त भी कहते हैं, दरख्त। अभी समान अर्थी शब्द में अभी अगर तुम लोग को पूछा गया ना, वृक्ष, तरु, तरु भी लिख सकते हैं तुम लोग, समान अर्थी शब्द वृक्ष, पेड़, दरख्त, याद रखना। ओके, उसके बाद है वसुंधरा। वसुंधरा यानी धरती, धरती, पृथ्वी, अर्थ, अर्थ, और मही, म ही। ओके, नेक्स्ट चंद्र, चंद्र यानि मून। तो मून के तीन नाम अभी हम लोगों को यहाँ पर लिखने हैं, बॉक्स बनाने होंगे आप लोगों को। ओके, हाँ, चंद्र को क्या कहते हैं, सोम, रजत भी कहते हैं, लेकिन मराठी में या हिंदी में आई एम नॉट श्योर। ओके, इसके लिए मैं रजत नहीं दे रही हूँ तुम लोगों को। शशि भी कहते हैं, शशि,
एंड इंदु भी कहते हैं। इंदु ओके, इंदु भी कहते हैं। चंद्र को सोम, शशि इंदु। समान अर्थी शब्द लिखते समय भी आप लोगों को ये काम में आएगा, भले वो एक मार्क का हो भाई, एक 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 मार्क से ही 100 मार्क्स बनते हैं ना, तो हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट ही होता है। उसके बाद कृषक, कृषक यानि फार्मर, कृषक यानि खेती करने वाला, फार्मर ओके। तो कृषक के 3 नाम क्या होंगे? सबसे पहला तो है किसान, ईजिएस्ट वर्ड किसान, अन्नदाता भी कहते हैं उसको, अन्नदाता, जोड़ाक्षर है ये, जोड़ाक्षर। और खेतीहर भी कहते हैं, खेती हर ओके। कृषक यानी फार्मर, और फार्मर के 3 नाम हम लोगों ने लिखे। उद्यान यानि गार्डन, बगीचा ओके। तो उद्यान को 3 नाम, तो बगीचा है ही, सबसे पहले बगीचा, उसके बाद वाटिका, वाटिका और चमन भी कहते हैं, चमन, चमन ओके। चमन यानी जो टकलू करके आया उसको तुम लोग चमन चमन बोलते हैं ना, वो वाला चमन नहीं है। हाँ, उद्यान, चमन ध्यान में रखना, तुम्हारे वाला चमन नहीं है ये ओके। अरण्य, अरण्य यानी फॉरेस्ट, जंगल, घना जंगल ओके, उसे अरण्य कहते हैं। तो अरण्य वन, जंगल, एंड थर्ड वन इज विपिन भी कहते हैं। विपिन, अब विपिन नाम सुना होगा तुम लोगों ने, विपिन का मतलब नहीं पता होगा तुम लोग को, उसका मतलब है अरण्य, जंगल, वन ओके गुड। अभी नीचे जो रचना बोध दिया है ना तुम लोगों को, तो उसमें तुम लोगों को इस कविता में से क्या सीखने को मिला है, तो उसके लिए तुम लोग है ना, ये जो पद्य संबंधी दिया हुआ है क्या नहीं, इसमें के ये तुम लोग यूज़ कर सकते हो ओके। कि प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये छोड़ दो। प्रकृति की छटा का, इस कविता में प्रकृति की छटा का सुंदर वर्णन किया गया है, लिखो, ज़्यादा हाई फाई नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है, इतना भी लिखेंगे तुम लोग तो चलेगा ओके। इसके अलावा भाषा अध्ययन में शब्द भेद ओके, तो एक, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जल एंड पर्णकुटीर, जल यानी पानी होता है, पर्णकुटीर यानी जो झोपड़ी बांधकर कुटीर, कुटिया कहते हैं ना उसको, जो साधु संत लोग रहते हैं वो पर्णकुटीर कहते हैं उसको, पानों से बनाई हुई झोपड़ी, पत्तों से बनाई हुई झोपड़ी, पर्ण यानी पत्ते, कुटीर यानी झोपड़ी, पत्तों से बनाई हुई झोपड़ी ओके। तो वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? जल को जीवन कहा गया है, सिंपल है ना, जल ही जीवन है, ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा। जल को जीवन कहा गया है, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा ओके। फिर दो, साधु संत पर्ण कुटीर बनाकर रहते हैं, पत्तों की झोपड़ी बनाकर वो लोग रहते हैं ओके। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण शब्द खोजकर लिखिए।
मैं तुम लोगों को ग्रामर सिखा रही हूँ और मेरे ग्रामर के सारे वीडियोस तुम लोग देखने वाले हैं। ओके ओके, तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें का विशेषण शब्द कौन सा है? ओके तो चारु एंड सुंदर, ये दो विशेषण है। ओके फिर निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का भेद पहचानिए। रेखांकित मीन्स अंडरलाइन किया हुआ शब्द। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबल अंबर तल में। ओके तो अंडरलाइन किसे किया हुआ है? और को। तो क्या है ये और? क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय है और। ओके नेक्स्ट, ये एक्स्ट्रा सिखा रही हूँ मैं तुम लोगों को। निम्नलिखित अव्यय का वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या है अव्यय? की। ओके नकुल घर से निकला ही था कि आंधी आने लगी, बारिश आने लगी, तेज हवाएं बहने लगी, कुछ भी लिखो। ठीक है, अव्यय पहचान कर उसका भेद लिखिए। नमित आर्यन के साथ विद्यालय गया के साथ जो है वो संबंध सूचक अव्यय है। ओके काल परिवर्तन कीजिए। कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। एक, रमेश बाजार गया, सामान्य वर्तमान काल में हम लोगों को लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? रमेश बाजार जाता है। ओके टू, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, सामान्य भविष्यकाल। तो सामान्य भविष्यकाल में हम लोग कैसे लिखेंगे ये वाक्य? स्वच्छ चांदनी बिछी होगी। ओके होगी। नेक्स्ट है संधि। निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। संधि करना यानी उनको डिवाइड करके मिक्स करके लिखना। ठीक है, इन लोगों ने हम लोग को सेपरेट करके लिखा हुआ है तो उन्हें हमको एक साथ में लिखना हुआ है, लिखना है। कुसुम प्लस आयुध, उसे कहते हैं कुसुमा युध। निस्तब्ध, निह प्लस स्तब्ध, निस्तब्ध लिखते हैं उसको। कैसे लिखते हैं? निस्तब्ध, एकदम सब शांत, कुछ हाल चाल नहीं, सब एकदम क्वाइट हो गया है पूरा। ओके निस्तब्ध। उसके बाद ताली का पूर्ण कीजिए। मैं संधि निरानंद, संधि विच्छेदन, विस आंसर ही दिखाती हूँ मैं तुम लोगों को। देखो संधि, संधि विच्छेद, संधि भेद। निरानंद संधि विच्छेद हमने किया, निहि अधिक आनंद। संधि भेद क्या है? विसर्ग संधि। इसी तरह से निर्भीक, निर्भीक, निहि अधिक भीक, विसर्ग संधि। ओके वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार लिखिए। एक, इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है, तो ये है एक सरल वाक्य। पेड़ पौधे झूम रहे हैं और अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, तो ये है संयुक्त वाक्य। ओके अगर तुम लोगों को पता नहीं है ना तो मैं जो ग्रामर सिखा रही हूँ वो तुम लोग वीडियो जरूर देखना। ओके अभी
अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तित करके लिखिए, यानी चेंज करके लिखिए। जैसे एक, आकाश में चंद्रमा शोभायमान है, यानी स्काई में मून जो है वो बहुत ही सूट होता है, वो स्काई में ऐसे तारे और उसमें एक मून बहुत ही सूटेबल है, वो बहुत सूट होता है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। शोभायमान है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है, वॉट एवर, समझ गए ना तुम लोग, वेरी गुड। तो हम लोग उसे प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य भी बना सकते हैं कि क्या आकाश में चंद्रमा शोभायमान है, क्या आकाश में चंद्रमा शोभायमान है, ऐसे। तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। सेकेंड वाक्य, आकाश में चंद्रमा शोभायमान है, वही है, वाह आकाश में चंद्रमा शोभायमान है, तो ये हो गया विस्मयार्थक वाक्य। ओके, वाह क्या बात है ना, ऐसे। आगे है मुहावरे। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, 2 मार्क का आएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। कान न देना, कान न देना का अर्थ है सुनकर भी अनसुना कर देना। भाव नहीं देते ना हम लोग, चिल्ला चिल्ला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे कहते हैं कान न देना, यानी सुनकर भी अनसुना कर देना, इग्नोर करना। ओके, सिंपल भाषा में इग्नोर करना किसी की भी बात। ओके, तो अध्यापक ने कई बार विद्यार्थी को समझाया पर उसने कान न दिया। नहीं, ये तुम लोगों के लिए तो है नहीं भाई, मैं समझाऊं और तुम लोग ध्यान न दो, ऐसे कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं। ओके, तो इस तरह से वाक्य तुम्हें लिखने होंगे। ओके, माँ ने राजू को बहुत समझाया लेकिन उसने कान न दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। माँ राजू को खाना खाने बुला रही थी लेकिन उसने कान न दिया, यानी उसने सुन के भी अनसुना कर दिया। इस तरह से तुम लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें जो दिया है वही लिखे, खाली क्या है समझ में आना चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं। ओके, एक 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 एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं तुम लोगों को। 2, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कर वाक्य फिर से लिखिए। अभी एग्जाम में ऐसे भी पूछते हो लोग, तुम लोग को वाक्य देते हैं और बोलते हैं कौन सा मुहावरा है वो बताओ। परीक्षा में अच्छे अंक पाकर पुनीत को बहुत प्रसन्नता हुई। पैरों पर न लगना फूला न समाना, ठीक है, पैरों पर न लगना यानी हवा में रहते हैं ना खुशी के मारे ऐसे, या फिर फूला न समाना, खुशी के मारे वो फूला नहीं समा रहा था। परीक्षा में अच्छे अंक पाकर पुनीत फूला न समाया। ओके, पिछले रिजल्ट तुम लोग के भी बहुत अच्छे आए हैं और तुम लोग भी फूले न समाए हैं, और तुम लोगों के मार्क्स और परसेंटेज देख के मैं भी फूली न समाई हूँ। ओके, वाक्य शुद्धिकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, ये भी। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। अभी वाक्य शुद्धिकरण में काना, मात्रा, वेलांटी, फुल स्टॉप, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। एपोस्ट्रोफ, क्वामास, क्वामास, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, 1, उसने तुमको आके कहा, उसने तुमसे आकर कहा, ये तो बम्बईया भाषा है, ये तेरे को क्या मालूम है, देखा है ना तुम लोगों ने क्या मुन्ना भाई MBBS में अपन बोला ना तेरे को, है ना, तो इस तरह की लैंग्वेज होती है ना। तो उसने तुमको आके कहा, तो ये हो गया इम्प्योर लैंग्वेज है, तो प्योर हम लोग शुद्ध में कैसे बोलेंगे, उसने तुमसे आकर कहा, तो ये जो लैंग्वेज है ना शुद्ध वाली, आई थिंक UP, लखनऊ, बनारस साइड में वो लोग बहुत ही शुद्ध हिंदी बोलते हैं। ओके, 2, गाय को 2 सींग होते हैं, सींग होते हैं क्या, नहीं, तो गाय के 2 सींग होते हैं। ओके, सींग को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में, बताना मुझे कमेंट करके, गाय के जो सींग होते हैं ना सिर पे, उसे क्या कहते हैं, मुझे बताना इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, ठीक है। नाउ
प्रधान क्रिया, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया छांट कर लिखिए। क्रिया मीन्स क्या किया जा रहा है। ओके, अभी जब मैं पढ़ाने की क्रिया कर रही हूँ ना, तुम लोग को पढ़ा रही हूँ, तो ये क्रिया है। एक, मनीष विद्यालय जाता है, तो क्रिया क्या, सॉरी, क्रिया क्या हो रही है, जाने की। ओके, मनीष विद्यालय जाता है, तो जाता मीन्स जाने की क्रिया हो रही है। दो, सुरेश खाना खाता है, खाता कौन सी क्रिया हो रही है, खाने की क्रिया हो रही है। क्या चल रहा है एट प्रेजेंट, तो खाना चल रहा है, खाने की क्रिया हो रही है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया छांट कर लिखिए। तो इसमें से सहायक क्रिया कौन सी है वो तुम लोग को लिखना है। एक, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। तो सहायक क्रिया कौन सी है, है यानी होना। टू, लड़के ने अपना काम पूरा कर दिया, सहायक क्रिया है दिया यानी देना, अपना काम पूरा कर देना, दिया। ओके, नाउ थ्री, सॉरी, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए, चलना और देना। तो इनके प्रेरणार्थक रूप हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देखो तुम लोगों को डिटेल में समझ में आएगा। क्रिया है चलना, प्रथम प्रेरणार्थक रूप है चलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है चलवाना। ओके, चलाना एंड चलवाना। उसके बाद है देना, दिलाना और दिलवाना। ओके, नेक्स्ट है कारक। रेखांकित शब्दों का कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। एक, चारु चार, रेखांकित मीन्स अंडरलाइन किए हुए शब्दों का। ओके, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, तो चंद्र की संबंध कारक। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, संध्या को यानि संप्रदान कारक। उसके बाद है विराम चिन्ह। निम्नलिखित विराम चिन्हों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो भाई, ये विराम चिन्ह दिया है इन लोगों ने, डैश, ये है फुल स्टॉप, कॉमा, प्रश्न चिन्ह। ऐसे भी तुम लोगों को एग्जाम में वाक्य में प्रयोग कीजिए करके आएगा, ठीक है। तो तुम लोग किस तरह से करोगे, तो डैश कभी करते हैं हम लोग, दो शब्दों के बारे में लिखते हैं तभी। शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में चमकने लगते हैं, है ना। दोनों भाई भाई मिलकर घर जा रहे थे, भाई डैश भाई। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं तुम्हारे मन से तुम लोग। उसके बाद यह धनुषधारी कौन है जो रात्रि में जाग रहा है, क्वेश्चन मार्क। कोई भी वाक्य लिखो, क्वेश्चन होना चाहिए वो, एंड में क्वेश्चन मार्क लिखना ही है तुम लोगों को। ओके, और यही वाक्य लिखकर मैं फुल स्टॉप में भी यूज़ करूँगी, है ना। फुल स्टॉप आया ना यहाँ पे, या फिर मेरा नाम शालिनी है फुल स्टॉप। अगर आपको चार वाक्य लिखने हैं अलग अलग तो भी लिख सकते हैं आप लोग। और ऐसे भी सवाल पूछा जाएगा आपको एग्ज़ाम में, एक में आप लोगों को डैश भी और फुल स्टॉप भी यूज़ करना है जो यहाँ पर इन लोगों ने दिया है। और इंडिपेंडेंटली भी पूछ सकते हैं वो लोग, और ऐसे दोनों साथ में भी पूछ सकते हैं। तो जरा समझ के, सवाल समझ के फिर लिखना, ठीक है।
अभी जैसे हम लोगों को यहाँ पर डैश और फुल स्टॉप दिया है, तो हम लोगों ने यहाँ पर शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में चमकने लगते हैं के बाद फुल स्टॉप लिया। दोनों भाई भाई साथ में घर जा रहे थे, भाई भाई में डैश आएगा और जा रहे थे फुल स्टॉप आएगा, ओके। उसके बाद यह धनुषधारी कौन है के बाद यहाँ पर कॉमा दिया है इन लोगों ने, तो कॉमा आ गया क्वेश्चन मार्क, जो रात्रि में जाग रहा है क्वेश्चन मार्क, ओके। तो क्या पूछा है वो समझ के लिखना है तुम लोगों को, और मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ तुम लोगों को, ओके। इंडिपेंडेंटली भी पूछ सकते हैं वो लोग, या फिर साथ में भी पूछ सकते हैं तुम लोगों को, ठीक है। तो क्या सवाल पूछा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू राइट आंसर, क्योंकि इन टाइम पे लोग एग्जाम में ट्विस्ट करते हैं, क्वेश्चन को घुमा देते हैं वो लोग, तो तुम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। और सवाल पूरा नहीं पढ़ने की अगर आपको आदत है ना, तो वो आदत आपको बंद करनी होगी, प्रॉपर बनना है ना। तो मैं जितने जितने इंस्ट्रक्शंस देती हूँ ना, सारे फॉलो करो तुम लोग, नहीं बने टॉपर तो मेरा नाम शालिनी हुबलीकर नहीं, ओके गुड। तो इस तरह से मैंने तुम लोगों को भाई कविता लिखने से लेके सब कुछ सिखा दिया है बहुत ही डिटेल में, ठीक है। तो एक लाइक तो मेरे लिए बनता है ना, बनता है क्या नहीं, ओके। तो एक लाइक मुझे ज़रूर देना और फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो, ओके। तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।